दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सहजनवा से दोहरी घाट मध्य रेल लाइन बिछाने सहित अन्य विषयों को लेकर बांसगांव सांसद ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र संचालक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठंड व शीतलहर के बचाव के लिए नगर निगम प्रशासन रैन बसेरों व शहर के प्रमुख चौराहों पर कराया अलाव की व्यवस्था। फर्जी कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाले शातिर अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कचहरी बस स्टेशन पर अचानक पहुंचे क्षेत्रीय प्रबंधक, यात्रियों की सुविधाओं व बसों का लिया जायजा। रामगढ़ताल के किनारे अवैध रूप से बस्तियों व झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को जिला प्रशासन ने हटने का दिया निर्देश। प्रवर्तन दंड की बड़ी कार्रवाई, महेवा मंडी में चार दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में प्रतिबंधित पॉलिथीन किया बरामद। ठंड से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलाव सहित अन्य सुविधाओं को पंचायती राज विभाग करा रहा है मुहैया। और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में चलने लगी बर्फीली हवाएं, कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग। सहजनवा से दोहरी घाट के मध्य नई रेल लाइन बिछाने में पड़ने वाली भूमि के अर्जन से प्रस्तावित काश्तकारों को मुआवजा वितरण हेतु रेल प्रशासन व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने बैठक की। बैठक के दौरान सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि रेल लाइन बिछाने के संरेखण में पड़ने वाले भूमि के प्रभावित काश्तकारों को समय से तथा उचित मुआवजा वितरण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, इसमें कहीं भी लापरवाही ना हो और सभी समस्याओं का समय से निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण होने से आमजन को काफ़ी लाभ मिलेगा। बैठक में रेलवे के मुख्य अभियंता निर्माण अखिलेश त्रिपाठी, डिप्टी चीफ इंजीनियर कृष्ण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील गौड़ सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। जो भी पॉलिटिकल और बाई 31 जनवरी हम सब हम 100% ओला में ही सबसे ज्यादा जमीन हमको एक्वायर करना है, बाकी में तो मतलब कम है। दिक्कत थोड़ा सा हमको लग रहा है बांसगांव वाले एरिया में आएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ वो तो आप है ही हैं, आप तो है ही हैं, भगवान करे ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि अब जो आपका मुआवजा है वो कितना ज्यादा है ना, कि मतलब क्या चार गुना है ना, चार गुना है। सर हम तुरंत अपना शुरू कर देंगे, जैसे अभी है ये हम फाइनल कर देंगे तो हमारे यहाँ टीम रेडी है। ये अगर अलाइनमेंट चेंज ना हो पहले के हिसाब से जो चल रहा था, तब अब तक हम एक टेंटेटिव सर ये क्या प्रोग्राम जो है इन्होंने बनाया, टेंटेटिव हम लोगों ने ये डिसाइड बोला था 15 जनवरी तक, बाकी सब मिला करके ये जनवरी एंड तक हम आपको सब सबमिट कर रहे हैं। मतलब हम जनवरी से नहीं चालू कर सकते, हम फरवरी के फर्स्ट वीक हम सारा का सारा जो है सबमिट कर 90% जमीन तो तब आपको मिलेगा ना जब हम इनको पैसा भी देंगे। पैसा भी है, पहले तो हमारा ही है कि 100 करोड़ रुपए में अगर मान लीजिए 50 दिए हमें 50 आएगा, 100 ही तो आएगा। पैसे की देखिए आज के टाइम में तो पैसे का कोई इशू नहीं है, बता रहे थे कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे का इशू नहीं है। जो एक्चुअली में जैसे इधर थोड़ा सा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संचालक की पहचान विशाल कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। बता दें कि पीड़ित ने इस शातिर के खिलाफ करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में इसके साथ अन्य साथी मुरारी साहनी, रकुल साहनी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। Yeah.
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, ये वादी के द्वारा थाना कैंट पर सूचना दी गई थी कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके पैसे हड़प लिए गए हैं। इस संबंध में थाना कैंट पर 464/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि विशाल गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जो कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खाते खोलना और फिर जन सेवा केंद्र का संचालन करना, इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। कैंट पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद में माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कितने पैसे के मामला जो वादी था, वादी का लगभग 1.5 करोड़ रुपये का इनके द्वारा गबन किया गया था और अन्य आपराधिक इतिहास की अभी खोजबीन की जा रही है। जनपद में लगातार बढ़ रही ठंड व शीतलहर को देखते हुए नगर प्रशासन ने जनपद के समस्त रैन बसेरों और शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। वहीं रैन बसेरा में वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिससे वहां जाने वाले यात्रियों को व अन्य लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वहीं अलाव की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए मुख्य अभियंता को इस कार्य के लिए इंचार्ज बनाया गया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, मैं आपको बताऊं कि अलाव के लिए हफ्ती भर हमने ये जो पॉइंट्स चेक कर रखे 13 जगह ये हैं। इसके अलावा हमारे जहां फुटफॉल बहुत ज़्यादा है वहां पर हम अलाव जलवा रहे हैं। अलाव जलाने के लिए पूरी व्यवस्था के लिए मुख्य अभियंता महोदय को जो हमने इसका प्रभारी बनाया है। इसके अलावा डे के हिसाब से जैसे सोमवार मंगलवार अलग अलग दिन अलग अलग अभियंता को पूरी तरह से जिम्मेदार बनाकर उनके साथ पूरी टीम लगी है जो ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाकर लकड़ी वहाँ पर गिरवा कर अपने सामने जलवाते हैं। और हम लोगों ने इसी पर ही नहीं उनको मतलब उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया है, ये भी कहा गया है कि मेरे पास जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में उसकी जियो टैग की फ़ोटो हम मंगवाते हैं। 8 बजे सभी जोनल अधिकारी को, जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर को, हमारे इंजीनियर्स को लिखा पढ़ी में आदेश है कि वो वहाँ जाएंगे और उसकी फ़ोटो लेंगे, जियो टैग वाले उस फोटो हमको ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसके बाद मैं उसको देखकर उसी हिसाब से कार्रवाई करता हूँ। तो अभी तक लगातार हमारे पास, जैसे हमारे पास कल भी जितने जगह चल रही थी उसके जियो टैग वाली फ़ोटो, जिसमें कोई वो गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हाँ, कहीं वो ऐसा लगता है, जैसे भी हमारे कुछ साथी ने कहा कि प्रेस क्लब के सामने लगना चाहिए या कहीं अन्य जगहों पे लगना चाहिए, तो जहाँ जहाँ ऐसा मुझे महसूस होता जाएगा या फिर आप लोगों की तरफ से हमारे पास ये आती है यहाँ भी जलवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ को भी वहाँ पर अलवा चलाने की व्यवस्था कराई जाएगी। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि इस शातिर अभियुक्त के विरुद्ध कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं यह ठगी और मारपीट जैसे अपराध करने का आदी भी है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, ये थाना कैंट पर 790/22 मुकदमा प्रासंख्या पंजीकृत किया गया था। इसमें फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके जमीन का बैनामा किया गया था, जिसमें कि सुनील चौधरी नाम का व्यक्ति वांछित था, जिसे थाना कैंट की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, इसे पकड़कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। परिवहन निगम यात्रियों को सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन फिर भी सरकारी बसों में सुविधाओं का तार टूटा रहता है।
आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, कहीं कोई छतरी लेकर बस में सफर कर रहा है तो कहीं कोई रजाई ओढ़कर, जिससे विभाग की काफ़ी फजीहत होती है। इससे निपटने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने अचानक कचहरी बस स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया, साथ ही मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कमियां पाए जाने पर फटकार भी लगाई। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बसों के अंदर जाकर सीट, खिड़कियां, दरवाजे और जरूरी चीजों को टटोल कर देखा और मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों को जमकर फटकारा भी। जैसे ही बस स्टेशन पर क्षेत्रीय प्रबंधक के पहुंचने की सूचना मिली तो अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसको एक सीट बनवा दो, यही ब्राउन वाली करवाओ, सर वहाँ बताइएगा, समझे। और ये सीट कैसे ही है, ये सीट में जो कवर है क्या है, देखो इसको अच्छा करवाओ। कौन है इसमें इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया। शहरी बस अड्डे पे हम निरीक्षण करने आए हैं तो यहाँ पर जो हम जो कमियाँ पाई, हमने जो उपस्थित स्टेशन प्रभारी हैं उनको कमी दूर करने के लिए बुलाया है। यहाँ दो तीन और समस्याएं जो सिविल से थी तो जेई साहब को भी हमने बुलाया हुआ है और उनसे जो है जिस नाली से पानी चोक हो रही है, ऊपर से जो नालियाँ आ रही हैं वो चोक हो गई हैं तो उसको हम पाइप बदलवा रहे हैं और जो लेटरिन हमारी कुछ चौक है उसमें भी कार्य हम लोग आज करा रहे हैं। अब उनके सुगम जो भी बसों में हम लोग जो है बसों को काम करा रहे हैं, बसों को और अच्छा कर रहे हैं, सीटें हम लोग जो है लगातार सीटों का काम करा रहे हैं, सीटें कोई फटी ना हो, आर्म रेस्ट वगैरह जिन बसों में आर्म रेस्ट है आर्म रेस्ट लगवाए जा रहे हैं। और शीशे टूटने की बड़ी शिकायत जाने के दिन में मिलती है बसों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गोरखपुर क्षेत्र में बिना शीशे के कोई भी गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। अगर रास्ते में कहीं टूट रहा है वो एक हमारी मजबूरी है, हम रास्ते में नहीं बदलवा सकते हैं, वो हम को वर्कशॉप में लाना ही पड़ता है, वर्कशॉप में हम लोग उसको बदलवा देते हैं। इक्का दुक्का शिकायत इस तरीके की आई है लेकिन ये दावे के साथ है कि कोई गाड़ी बिना शीशे के हम लोग यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहे हैं स्टार्टिंग स्टेशन से। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आई एम मनमीत। आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रामगढ़ताल के किनारे अवैध बस्तियों व झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के सत्यापन के बाद जिला प्रशासन द्वारा हटने का निर्देश दे दिया गया है, जिसके क्रम में यहाँ के लोगों ने अब सामानों को समेटना शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर यह लोग रह रहे थे। इन लोगों से पप्पू निषाद नामक व्यक्ति बाकायदा किराया भी वसूल करता था, जिसको संबंधित थाने द्वारा तलब भी किया गया है। शासन के निर्देश के क्रम में सिंगल यूज पॉलिथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से पॉल्यूशन बोर्ड व अन्य विभागों द्वारा 4 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में महिवा मंडी में छापेमारी कर 4 दुकानों से बड़ी संख्या में प्रतिबंधित पॉलिथीन को बरामद किया है। वहीं दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त हिदायत भी दी गई है कि अवैध पॉलिथीन के व्यापार को पूर्ण रूप से बंद कर दें, अन्यथा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, आज भी इन लोगों ने जहां पर कि हमको डाउट था कि यहां पर थोक के रूप में काम किया जा रहा है और यहां से प्लास्टिक के पॉलिथीन के विभिन्न प्रकार के इसके पैकेट्स वगैरह बना के डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो जो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे आज वहां पर जब छापा मारा है तो ये आपके सामने आप देख रहे हो, लगभग इसमें 3 क्विंटल से ऊपर की जो है पॉलिथीन है जो कि बैन के अंतर्गत आती है और इसको इन लोगों ने पकड़ा है और इसमें 15,000 के करीब जो है जुर्माना भी वसूल किया है। तो निश्चित रूप से ये जो बहुत बड़ा एक सीजर है और इसके साथ साथ हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो शासन के निर्देश हैं उनको पूरी तरह से हम लोग लागू करें और इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम ETF की टीम जो है हमारे नगर निगम की जो टीम है संयुक्त रूप से जगह जगह जाकर जो हमारे अन्य संयुक्त टीमें वन विभाग की जो हमारी टीम है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम है एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी लगातार चला रही है कि इस सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान होती है, किस प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है और अंततः जाकर ये हमारे स्वास्थ्य पे असर डालती है। इन सब चीज़ों को लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, तो ये अभी हमारा 2 दिन और चलेगा और निश्चित रूप से इस प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इतनी बड़े पैमाने पर ये पॉलिथीन बरामदगी हुई, क्या पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की गई? देखिए ये जो मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिसके पास से ये पकड़ा गया है वो पहले से भी उनके पास से कई बार पकड़ा गया और उनको कई बार हमारी टीम ने कठोर चेतावनी देकर उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं इस बारे में इस बार जो DM सर से और जो SSP साहब को मैं इस बारे में लेटर लिखूंगा कि ऐसे लोग जो बार बार मना करने के बाद भी जो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, सरकारी आदेशों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध इस प्रकार की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए कि अन्य लोग भी इससे सीख लें और इस प्रकार का काम ना करें। तो वहाँ पर हम लोगों ने आज जो चालान किया 10,000 का, इसके बाद फिर हम लोग चले गए लाल डिग्गी पार्क में।
तो लाल डिग्गी पार्क में जैसे हम साहबगंज मंडी चुकी हब है वहाँ का, तो ये क्या करते हैं वहाँ पे एक अपना वो ट्रांसपोर्ट है, कुबेर ट्रांसपोर्ट है और चार पांच और ट्रांसपोर्ट है, और वो मछली मार्केट का ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहाँ से ये अपना शाम को लोडिंग करते हैं, ये हमें पता है। दिन में हम लोग के डर के मारे परिवर्तन दल की टीम सक्रिय रहती तो कोई हिम्मत नहीं करता है, तो ये शाम का टाइम तो अचानक हमने उसमें छापा मारा तो उसमें हमें तीन ठेले मिले और ठेलों में लगभग कुछ बीच में ये बोरियाँ थी, एक बोरी एक ठेले वाले से जो साइकिल के ठेले वाले हैं रिक्शे वाले मतलब बड़ा ठेला वाला है, तो उसमें तीन ठेले हमने ट्रैक किए और उसमें ऊपर सामान कुछ है नीचे, तो नीचे छिपा के दो, एक में दो बोरा मिला, एक में चार बोरा, एक में तीन बोरा, तो नौ बोरा यहाँ मिला, तो टोटल 2 क्विंटल 70 kg का आज हम लोगों ने सीज किया है और 10,000 का चालान किया है। ठेले वाले, ठेले वालों को जब मैंने बोला कि आपके कहाँ से लिए हैं तो बोले कि इस दुकान से ले, तो दुकान वाले मालिक जो साहबगंज मंडी में जिनके पास जो थोक का काम करते हैं वो अपनी दुकान बंद करके भाग गए। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीषण ठंड से लोग परेशान हैं। ऐसे में पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, साथ ही अन्य सुविधाओं को भी मुहैया कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सरकारी सुविधाओं का पूरा पूरा लाभ दिया जा सके। इस संबंध में मीडियाकर्मी से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी प्रधानों को ये निर्देशित किया गया सचिवों को कि जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि जो भी लोग निराश्रित हैं, जो ऐसी जगह पे नहीं जिनको कि गुजारा बसर नहीं है, उन लोगों के लिए जो है सार्वजनिक स्थल पे अलाव की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा राजस्व विभाग के द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है, इसके अलावा लोगों को ये आगाह कराया जा रहा है, उनको ये प्रेरित किया जा रहा है कि जब ज़रूरत ना हो तो रात्रि के समय ऐसी जगह पे बाहर ना निकलें ठंड के समय में और घर के अंदर ही रहें। साथ ही साथ कंबल जो बताया, जैसे कंबल का वितरण राज विभाग के द्वारा कराया जाएगा, अभी कराया जा भी रहा है और आगे कराया भी जाएगा, जो भी जरूरतमंद सबको कंबल एक कराया जाएगा उपलब्ध। और अगर कोई जैसे शहरों में हर जगह रैन बसेरी की व्यवस्था है, जहाँ पर कि कोई जो ज़रूरतमंद है शहर में बाहर से आए हैं उनके पास कोई आश्रय नहीं तो रैन बसेरी में रह सकती है, उनका भी इंतजाम है। तो गांव में भी इस तरह से जरूरत पड़ने पर प्रधान जी के द्वारा भी रहने का इंतजाम कराया गया। गांव में ज़्यादातर लोगों के पास अपने घर हैं, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर हैं या जिसको कि सही से समुचित व्यवस्था अगर नहीं है तो उनके लिए अलाव की व्यवस्था प्रधान जी के द्वारा कराई जा रही है। और अगर कोई किसी को और भी जरूरत पड़े तो विभाग उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने से ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। मंगलवार की शाम से ही चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 3 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। लोग अपने घरों में दुबक गए। बुधवार की सुबह भी सूर्य के दर्शन नहीं होने और कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की वजह से सड़क पर निकलने वाले लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, गलत है मौसम में चेंज हो गया। आज कैसी ठंड है? आज ठंड बढ़ी है कल से बढ़ी है। अब लोग आग फेंक रहे हैं? जी जी जी। नगर निगम के द्वारा कोई अलाव अलाव की व्यवस्था? हाँ जरूरत तो है यहाँ पे। अब हम लोग तो चाय पीने यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए रिक्शे वाले हुए, लेबर हुए, मजदूर हुए या राहगीर हुए, उनको ज्यादा जरूरत है। अगर अलाव वगैरह यहाँ पे हो तो हमारी समझ से आम जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी कहीं दिख रहे हैं अलाव? नहीं, अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं। ना ठंडक तो चालू हो गया, बहुत तेज ठंडा पड़ रहा है, खासतौर से 2 दिन के अंदर बहुत तेजी से ये ठंडा बढ़ रहा है। हाँ, और गलन भी बहुत तेज है। आप लोग सड़कों पर कैसे निकल रहे हो, अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? सुरक्षा तो हम सबसे ज्यादा ये करते हैं कि सारे चीज डबल ट्रिपल पहन के चलते हैं, 2 पैंट पहन लेते हैं, मोजा लगा लेते हैं, दस्ताना पहन लेते हैं। आगे ताप रहे, आगे चलवाए हैं। अरे क्या नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था दिख रही है? नहीं, नगर निगम से नहीं गिरी है लकड़ी अभी। कौन सी जगह है ये? तरंग क्रॉसिंग है। अच्छा, अगर बात करें आज ठंड की तो कैसी पड़ रही है? आज ठंड अधिक है, सब दिन से अधिक है ठंड। अरे फॉग गिर रहा है? हाँ,
नहीं, वो फोक नहीं गिर रहा है इस समय, क्योंकि हवा चल रहा है ना, हवा जब चलेगा तो नहीं गिरेगा। अभी क्या गलन हो रही है? हाँ, गलन है, हवा की वजह से है। दिन भर बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सहजनवा से दोहरी घाट मध्य रेल लाइन बिछाने सहित अन्य विषयों को लेकर बांसगांव सांसद ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र संचालक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठंड व शीतलहर के बचाव के लिए नगर निगम प्रशासन रैन बसेरो व शहर के प्रमुख चौराहों पर कराया अलाव की व्यवस्था। फर्जी कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाले शातिर अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कचहरी बस स्टेशन पर अचानक पहुंचे क्षेत्रीय प्रबंधक, यात्रियों की सुविधाओं व बसों का लिया जायजा। रामगढ़ताल के किनारे अवैध रूप से बस्तियों व झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को जिला प्रशासन ने हटने का दिया निर्देश। प्रवर्तन दंड की बड़ी कार्रवाई, महेवा मंडी में चार दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में प्रतिबंधित पॉलिथीन किया बरामद। ठंड से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलाव सहित अन्य सुविधाओं को पंचायती राज विभाग करा रहा है मुहैया। और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में चलने लगी बर्फीली हवाएं, कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।